दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टार रेणु मंडल जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेणु मंडल को कौन नहीं जानता। जी हाँ, ये वही रेणु मंडल है जो रातों रात स्टार बन गई थी। रेणु मंडल जी सड़कों पर भीख मांग के अपना गुजारा करती थी, लेकिन फिर एक फरिश्ता आया जिसने इनकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड की। जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुई, 40 लाख से भी ऊपर लोग इसे देख चुके थे और ये वीडियो अभी भी तेज़ी से वायरल हो रही है। तो दोस्तों, रेणु मंडल जी को बॉलीवुड से भी बहुत सारे ऑफर आने शुरू हो गए। हिमेश रेशमिया ने भी उन्हें एक सॉन्ग ऑफर किया था। तो चलिए, इस वीडियो में रेणु मंडल जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक शेयर करना मत भूलना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि रेणु मंडल जी ने बॉलीवुड में डेब्यू कर ही लिया है। वह हिमेश रेशमिया की अपकमिंग फिल्म के लिए गाना भी रिकॉर्ड कर चुकी हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जहाँ कोलकाता स्टेशन में एक गरीब महिला लता मंगेशकर की आवाज़ में प्यारा सा गाना प्यार का नगमा गाती दिख रही थी। सभी लोग उनकी आवाज़ से इतने प्रभावित हो जाते हैं और एक लड़का उनकी सोशल मीडिया पर वीडियो बना के अपलोड कर देता है। अब वह महिला न सिर्फ मशहूर हो गई है, बल्कि म्यूज़िक डायरेक्टर सिंगर हिमेश रेशमिया ने भी उनको अपने साथ गाने के लिए एक गाना रिकॉर्ड करवाया है। हिमेश रेशमिया तो उनकी आवाज़ से इस कदर प्रभावित हुए हैं कि उन्हें अपने फिल्म में गाने का चांस भी दे दिया। आज बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार रेणु मंडल को अपनी फिल्म के लिए गाना गाने के लिए ऑफर दे रहे हैं। हिमेश रेशमिया की अपकमिंग फिल्म का गाना तेरी मेरी कहानी गाने को रेणु मंडल ने ही गाया है और यह सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा देखने वाला गाना बन चुका है। आपको बता दें कि हिमेश रेशमिया जी ने रेणु मंडल को अपने पहले गाने के लिए 6-7 लाख रुपए दिए थे, लेकिन रेणु मंडल जी यह पैसे नहीं ले रही थी। उसके बाद हिमेश रेशमिया ने यह पैसे उन्हें ज़बरदस्ती दे दिए और उन्होंने उस महिला से कहा कि तुम्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हाल ही में सलमान खान ने भी कहा है कि वह अपने फिल्म में रेणु का गाना डालेंगे और अक्षय कुमार की फिल्म के लिए भी वह गाना गा सकती है। तो दोस्तों, ये थी सुपरस्टार रेणु मंडल की कहानी। तो दोस्तों, आपको रेणु मंडल जी की मधुर आवाज़ कैसी लगती है? अब अगर आपको उनकी आवाज़ अच्छी लगती है, आप भी उनके गाने सुन के उनके फ़ैन हो चुके हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना। और हाँ हाँ दोस्तों, लास्ट में इतना भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी यूट्यूब पे जाइए, जिसने ये गाना नहीं सुना वो प्लीज़ तेरी मेरी कहानी सुनिए और रेणु मंडल जी की मधुर आवाज़ का आनंद लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms